अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो व्यूअर्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। व्यूअर्स, मैंने सबसे पहले ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाने के लिए मैंने चने की दाल आधा किलो से थोड़ी कम ली थी, उसको भिगो दिया था मैंने एक घंटे के लिए। उसके बाद मैंने दो कप पानी डाल के, दो कप से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया और दाल को मैंने गला ली। दाल अच्छी तरह हमारी गल गई है। अब चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, डेढ़ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसमें एक प्याज डाल रही हूँ। एक अदर प्याज डाली है हमने, प्याज को हमें ब्राउन करना है। बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है ढाबा स्टाइल। प्याज को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब हमने दो टमाटर लिए थे, इसमें इसकी प्यूरी बना ली है, वो इसमें ऐड करना है। इसमें एक अदर रेड हरी मिर्च हो गई थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। 2 टेबल स्पून मैंने ये डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमने 2 टेबल स्पून डाले। हल्दी ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, वैसे मैंने 1/2 टीस्पून डाले, तो आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी पाउडर, पहले 1/2 मैंने डाला है धनिया पाउडर। अच्छी तरह हम भुनाई कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, इसकी जो लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये बहुत जल्दी बन जाती है। पहले तो ये है कि दाल हमारी पकी हुई है और बस सिर्फ मसाला हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, उसके बाद हमने दाल को इसमें ऐड करना है। तो बहुत जल्दी बन जाती है और जायके में बहुत ज़बरदस्त है और गर्मी के लिहाज से हल्की रज़ा भी है। ज़्यादा इतनी हैवी नहीं है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी में बड़े परेशान होते हैं कि आज क्या खाने में बनाए, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। तो भी बस देखें, 2 से 3 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है, जो स्मेल में ख़त्म हो गई। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर में ऐड करें। दाल ऐड करनी है हमें। मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए और ये मैंने अदरक थोड़ी थोड़ी सी बारीक बारीक से टच कर लिए। दाल बन चुकी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको और बनाना है।
से 3 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। ये आधा कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी जो दाल है बनके तैयार होगी। अब इसमें सिर्फ थोड़ा तड़का लगाना है। ये ढाबा स्टाइल दाल ज़बरदस्त वाली बनी है। अब इसमें हम थोड़ा तड़का लगाते हैं, इसको काटते नहीं। व्यूअर्स, तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन में हाफ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। से 4 अदद हमने ये कड़ी पत्ती भून ली। हाफ हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून। हमारा तड़का तैयार हो गया। गैस को कर दी बंद। ज़बरदस्त वाली बनी है। ये देखो हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम निकालते हैं बॉल में। व्यूअर्स, देखिए हमारी चने की दाल ढाबा स्टाइल बनके तैयार हो गई। बहुत ही मज़ेदार है। आप घर में बनाएं, आपको भी यकीन पसंद आएगी। अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, अपने घर में बनाएं तो आपको यकीन पसंद आएगी। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।